सो है व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और आगे भी ऐसे ही बढ़िया रहे। तो गाइस, आज यहाँ पर हमारी जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आज की वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे टॉप 3 नेक्स्ट लेवल वांटेड हेडशॉट की ट्रिक के बारे में, जिसे यहाँ पर आप देखते हो, फॉलो करते हो, तो आपका जो हेडशॉट है वो कतई यहाँ पर नेक्स्ट लेवल तक होने वाला है। मतलब कि यहाँ पर आपको तीनों की तीनों ट्रिक यहाँ पर यूनिक बताऊंगा, जिसे यहाँ पर आप फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद सिर्फ यहाँ पर आपने इसको अप्लाई किया ना, तो जैसे अभी मैं वन टेब हेडशॉट मार रहा हूँ वही यहाँ पर आप लगाने लग जाओगे, बट यहाँ पर वो आपका वन टेब हेडशॉट होगा यहाँ पर नेक्स्ट लेवल। मतलब कि तीनों ट्रिक यहाँ पर नेक्स्ट लेवल है, जिसे यहाँ पर आपको सिर्फ फॉलो करनी है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको देखना है और अच्छी तरह से समझ कर अच्छी तरह से अप्लाई करनी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो लगने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है वन टे हेडशॉट में। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, और पसंद आती है तो लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब मार देना। तो चलिए अब हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, हमारी ट्रिक नंबर वन है नॉर्मल जिगजैग प्लस वन टेब हेडशॉट ट्रिक। मतलब कि इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको क्या करना है, नॉर्मल जिगजैग करनी है, बाद में यहाँ पर वन टेब हेडशॉट को अप्लाई करना है। अब गाइज, नॉर्मल यहाँ पर जिगजैग कैसे करते, तो अभी देखते हैं यहाँ पर मैं कैसे कर रहा हूँ। मतलब कि यहाँ पर आपको स्क्रीन को राइट या लेफ्ट यहाँ पर घुमाना है, जिससे यहाँ पर आपका एनिमी है वो यहाँ पर आपको डैमेज ना दे पाए, और उसी टाइम यहाँ पर आपको गन स्विच करके जंप करके वन टेब हेडशॉट मारना है। बट यहाँ पर वो कैसे मार सकते हो आप, तो चलिए वो यहाँ पर आपको बताते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले आपकी स्क्रीन को यहाँ पर नॉर्मल यहाँ पर राइट या फिर लेफ्ट यहाँ पर घुमाने है, जिससे आपकी जिगजैग मूवमेंट हो जाए, और जिगजैग मूवमेंट में आप वन टेब हेडशॉट मारते हो ना, तो आपका कतई नेक्स्ट लेवल का वन टेब हेडशॉट लगता है। तो यहाँ पर आप देखिए मेरी स्क्रीन को मैं कंटिन्यू घुमा रहा हूँ। अब क्या करना है, आपको गन स्विच करके जंप करनी है, मतलब कि ऑलवेज गन स्विच करके जंप कीजिए। जंप करने के बाद अपने एम को यहाँ पर एनिमी की ओर ले जाए, और जैसे जंप कंप्लीट होने वाला है वैसे यहाँ पर आपको रोटेशन ड्रैग अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया राइट रोटेशन ड्रैग, बिकॉज यहाँ पर मेरा जो एम था यहाँ पर एनिमी की लेफ्ट साइड था, तो वहाँ पर मैंने अप्लाई किया राइट रोटेशन ड्रैग। सो फ्रेंड, यहाँ पर सिर्फ आपको करना क्या है, सिर्फ यहाँ पर आपको नॉर्मल जिगजैग मूवमेंट करनी है। जिगजैग मूवमेंट करने के बाद तुरंत यहाँ पर गन स्विच करके जंप करनी है। जंप करने के बाद यहाँ पर आप वन टेब हेडशॉट मारोगे, तो आपकी जो एक्यूरेंसी होती है वो यहाँ पर एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। जिगजैग के साथ यहाँ पर आप जंप करते हो तो एक्यूरेंसी यहाँ पर डबल हो जाती है, जिससे यहाँ पर आप वन टेब हेडशॉट बाद में अप्लाई करते हो तो आपका जो वन टेब हेडशॉट है वो यहाँ पर कहते हैं नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। इसलिए गाइस, यहाँ पर आपको ऑलवेज नॉर्मल यहाँ पर जिगजैग करनी है। जिगजैग करने के बाद आपको तुरंत अप्लाई करना है वन टेब हेडशॉट। गाइस, इसके बाद बात करते हैं अपोजिट क्रॉसिंग वन टेब हेडशॉट ट्रिक। मतलब कि आपको एनिमी से यहाँ पर अपोजिट साइड यहाँ पर क्रॉसिंग होना है, क्रॉसिंग होने के बाद यहाँ पर आपको तुरंत अप्लाई करना है वन टेब हेडशॉट। बट वो यहाँ पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन हो रहा है, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन कहो, यहाँ पर हम सोल्यूशन ला देते हैं। गाइस, तो फर्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पर आपको एनिमी के सामने से एकदम यहाँ पर क्रॉस होना है। क्रॉस होने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर क्रॉस हो जाए गन स्विच करके जंप करनी है। जंप करने के बाद आपका एम यहाँ पर एनिमी की साइड ले जाना है, जैसे जंप कंप्लीट हो जाए वैसे यहाँ वहाँ पर आप रोटेशन ड्रैग अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर मेरा एम यहाँ पर राइट साइड था, तो मैंने वहाँ पर अप्लाई किया लेफ्ट रोटेशन ड्रैग। मतलब कि यहाँ पर आपको ज्यादातर रोटेशन ड्रैग ही अप्लाई करना है। गाइस, ये ट्रिक को यहाँ पर आप अप्लाई करते हो ना, तो आपकी जो यहाँ पर बैक साइड यहाँ पर जो एक्यूरेंसी होती है एकदम से यहाँ पर डबल हो जाती है, जिसकी मदद से यहाँ पर आपका वन टेब हेडशॉट लगने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको एनिमी के सामने से क्रॉस होना पड़ता है, और क्रॉस होने के बाद तुरंत यहाँ पर आपको जंप लगाना पड़ता है। जंप करने के बाद यहाँ पर आप तुरंत वन टेब हेडशॉट अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर एनिमी को एकदम से यहाँ पर नेक्स्ट लेवल वन टेब हेडशॉट चिपक जाएगा। इसलिए गाइस, जैसे हमने बताया वैसे यहाँ पर ट्रिक को फॉलो करना। गाइस, इसके बाद हमारी जो आखिरी ट्रिक है वो यहाँ पर क्रॉसर वन टेब हेडशॉट ट्रिक। मतलब कि यहाँ पर अदर सर्वर में आपने प्लेयर को देखा होगा, तो वो यहाँ पर ऐसे वन टेब हेडशॉट मारते हैं कि यहाँ पर आप देखते रह जाते हैं। वो कैसे मारते हैं, यहाँ पर एनिमी होता है या तो उसकी लेफ्ट साइड की ओर जंप करते हैं या फिर उसकी राइट साइड की ओर जंप करते हैं, और अपना जो एम होता है वो यहाँ पर एकदम सर के पास रखते हैं, और बाद में ऐसे ड्रैग करते हैं कि यहाँ पर आप वन टेब हेडशॉट देखते रह जाते हैं। अब वही यहाँ पर वन टेब हेडशॉट आपको कैसे लगाना है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अब इसको अप्लाई कैसे करना था, यहाँ पर मेरा जो एनिमी था वो मेरे एकदम यहाँ पर सामने था, बट यहाँ पर मैं जंप कहाँ पर करता हूँ, मैं जंप करता हूँ राइट साइड की ओर, बाद में मेरा क्राइटेरिया क्रिएट करता हूँ, मेरा एम यहाँ पर सर के पास रखता हूँ, और एकदम से अचानक यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, तो एनिमी को लग जाता है वन टेब हेडशॉट। तो गाइस, यही यहाँ पर अदर सर्वर के बंदे करते हैं, यहाँ पर एकदम से सुपर जंप ऐसा लगाते हैं कि यहाँ पर जो उसका एम है वो एकदम यहाँ पर सर के पास होता है, बाद में अचानक वो ऐसा ड्रैग करता है कि यहाँ पर आप देखते रह जाते हो। इसलिए गाइस, आपको कैसे करना है, आपको यहाँ पर एनिमी के ऑपोजिट साइड यहाँ पर राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड जंप करना है। आफ्टर ऑल यहाँ पर जैसे जंप करने के बाद आपका एम यहाँ पर है वो यहाँ पर सर के पास रखना है, और वहां पर आपको अप्लाई करना है रोटेशन ड्रैग या फिर नॉर्मल ड्रैग। वहां पर आप दोनों ही ड्रैग यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं, नॉर्मल ड्रैग भी वन टेब हेडशॉट लग जाता है, और यहाँ पर रोटेशन ड्रैग में भी वन टेब हेडशॉट लग जाता है। अब गाइस, यहाँ पर उसी सिचुएशन में यहाँ पर आपको नॉर्मल ड्रैग तो आता है, अगर आपको रोटेशन ड्रैग सीखना है तो ऊपर की ओर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो।
मैंने यहाँ पर रोटेशन ट्रैक की, यहाँ पर पूरी ट्रिक यहाँ पर उसमें एक्सप्लेन की हुई है। इसके अलावा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक छोड़ी हुई है, वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हो। सो होप यू गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपकी ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, एक लाइक मेरा बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है। और एक शेयर करते हो तो लगता है मेरे फैमिली मेंबर है, तो अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर कर दो। और हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार दो, पास में दिखने वाला बेल आइकन है उसको जल्दी से ऑल पे शेयर कर दो, ताकि इन फ्यूचर हमारे जो भी न्यू वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।